अपराध सिंह साहब जवाब दीजिए इसका जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, अभी हम एक अफसोसनाक सानिया हुआ और इसके बाद जो गुफ्तगु सुन रहे हैं, सियासत ज़्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और ज़रूर सवाल होना चाहिए कि आपने क्या इकदामात किए कि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक हादसात ना हो और हम हादसे के ऊपर जब आप कोई कार्रवाई नहीं करते, चीज़ें नहीं करते तो सानी हाथ में बदलते देर नहीं लगती। स्पीकर साहब, मैं इस सानी के ऊपर आता हूँ लेकिन चूंकि मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का हादसा का हवाला दिया गया स्पीकर साहब, तो जवाब बड़ा ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 5-7 मई 2014 ट्रेन का सानिया, 9-11-2014, जुलाई 2-2015, जुलाई 19-2015, नवंबर 17-2015, सितंबर 15-2016, अक्टूबर 8-2016, नवंबर 3-2016, जून 6-2017 और फिर अक्टूबर 28-2017। अब स्पीकर साहब जी, मुराद सिंह साहब जारी रखें जी। स्पीकर साहब यही वजह है, मैं ये फिर मैंने कहा कि हमें ऐसे मौके पे सियासत नहीं, अपने कौम को दिखाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट संजीदा है, अपने लोगों के लिए सफ़र को महफूज बनाने के लिए, उनके लिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो और उसके ऊपर सवाल हो। मौजूदा हुकूमत ने क्या इकदाम किए स्पीकर साहब, ये सवाल पूछना चाहिए। आते साथ ही हमने ML1 के ऊपर काम शुरू किया, ML1 का स्पीकर साहब जिस तरह की यहां से आवाजें आ रही है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं और फिर दुम दबा के ये भागेंगे भी, लेकिन मैं यहां पे संजीदा मामले के ऊपर बात कर रहा हूं, ये सियासत ना करें। स्पीकर साहब, ML1 का काम मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया, मौजूदा हुकूमत ने उसका PC1 बनाया, फिजिबिलिटी बनाई, अप्रूवल दी और उसके बाद एक से उसकी मंजूरी भी हुई, जिसका मतलब ये कि आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को एक महफूज तरीन बनाना है, अवाम दोस्त बनाना है। ये जो सानिये हर साल इनकी हुकूमतों में होते थे, जो रेलवे इनकी हुकूमतों की वजह से खसारे में चला गया, उस रेलवे निज़ाम को ठीक कर ले और अपने पाकिस्तानियों को बचा ले, इसके ऊपर तो बात हो नहीं रही। ये किसने किया? मौजूदा हुकूमत ने किया, लेकिन जो 70 साल से आपने एक निज़ाम को बर्बाद कर दिया, उसमें 2.5 साल तो लगने थे उसकी फिजिबिलिटी में, 2.5 साल तो लगने थे उसकी PC1 में, वो बनाने में, उसको मंजूर कराने में और फिर उसके ऊपर काम शुरू करने में। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे मौक़ों पे हम आवाम को हमेशा ये पैगाम दें, क्योंकि जो भी चीज़ होती है यहाँ पे सियासत चमकाई जाती है। दूसरा अहम तरीन स्पीकर साहब, एक और इशू यहाँ पे उठाया गया, कराची के MNS ने यहाँ पे इशू उठाया, कराची के अंदर कल जो वाकयात हुए उसके हवाले से सवाल किए गए। मैं सोच रहा था कि अब ये मौसूफ उठेंगे, उसका भी जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के साथ, कराची के लोगों के साथ, कराची के आवाम के साथ क्या हो रहा था। स्पीकर साहब, मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। हम मौजूदा हुकूमत आपके इस तरह बात नहीं होती, हौसला करे, हौसला करे, बात जारी रखे इमरान सिंह साहब। मैं बात जारी रखी हुआ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्पीकर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। आप जवाब नहीं दे सकते, आप यहाँ पे सवाल हुए, कानी का टेंशन आया, कराची के MNS है वो बैठे हुए हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि कराची से आपने हमारे लोगों के, हमारे अपने पाकिस्तानियों के, कराची के आवाम के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हैं, उसका जवाब ही नहीं दिया जा रहा। और स्पीकर साहब, जब संजीदा मौजूदात के ऊपर बात हो, देखिए मैंने आपको ये नहीं कहा, मैं आपके अभी जो पर्ची चेयरमैन बात कर रहा था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे गंदम चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं GIT की बात नहीं कर रहा, मैं पानी चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं टांकिया माफिया, मैं इन माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी तरह गालियां नहीं देता। और अगर दम है तो उसको आगे कर दे, अगर दम है तो आगे कर दे, मैं बात कर रहा हूँ संजीदा मौजूदात पे। आप यहाँ पे बात कर लोगे सर तकरीरें झाड़ के, अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलोच से क्या ये हाउस चलेगा? क्या इस तरह ये हाउस चलता है? इस तरह चलाना ये हाउस? मैं इस तरह ये हाउस चलाना है?
स्पीकर साहब, किताबें उन चोरों के ऊपर लिखी गई है, किताबें उनके ऊपर लिखी गई है कि आपके फेक अकाउंट्स कहाँ पे हैं, किताबें इनके ऊपर लिखी गई है कि ड्रोन हमले करते जाए, पाकिस्तानियों को मारते जाए, किताबें आपके ऊपर लिखी गई है कि बेटा ये आपके फेक अकाउंट्स है, किताबें आपके ऊपर है, जेटीज आपके ऊपर है कि कराची वालों को मारे, लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम के रूज के लिए अपने अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा, मैं अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि खामोशी से सुन रहे हैं, सारे खामोशी से सारी गालियां सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी। स्पीकर साहब जी बात करें, माइक ऑन करें, क्या कहना है? मैं माइक में कह रहा हूं, सामने कह रहा हूं। साहब जी, मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब मुराद सईद साहब, बात जारी रखें, आप बात अपनी जारी रखें, फिर मैंने आगे दूसरे एजेंडे पे भी आना है। स्पीकर साहब मुझे मशवरा ना दे। स्पीकर साहब एक मुख्तसर सी बात, मैंने अभी ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर बात शुरू की। यहाँ पे जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, फिरौन समझते हैं कि उसकी शान में गुस्ताखी हुई कि पीछे इशारा किया फिर गालियां, कि इशारा किया कि गालियां दे। स्पीकर साहब यह हाउस इस तरह चलाना है? ये तो खुद बड़े लिबरल बन जाते हैं, बाहर जाके हमें दर्श देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह लोगों को खड़े करके, ये आपके गुलाम होंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। आपने अगर बात करनी है मुझसे करे, अपने गुलामों को आगे ना करे। स्पीकर साहब इस तरह हाउस नहीं चलता, हाउस ने हाउस आप अपनी बात करें, आपको पूरा मौका मिल रहा है जी। स्पीकर साहब मैं मुझे कह रहे कि आप अपनी बात करें, आप इसमें बात करें, आप कर सकते हैं करें। मैं अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूं, तहरीक पेश की गई है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के क्याम के इंतजाम का बिल। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बिल 2020 सेनेट के जानिब से तरमीम के साथ मंजूर करदा सूरत में दस्तूर के आर्टिकल 70 की शिक 2 के तहत ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें, मेरे ख्याल में अक्सर के जवाब हाँ में नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। शिकवार गौर, अब मैं बिल को शिकवार पेश किया जाता है। सवाल यह है कि शिक 2 से 3 तक बिल का हिस्सा करार पाए, वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें, मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में नतीजतन शिक 2 से 3 मंजूर की जाती है। शिक नंबर 4 तरामीम, शिक 4 में मोहतरमा वजिया अकरम पार्लिमानी सेक्रेटरी या हमारे जी तालीम पेशा वाराना तरबियत के नाम पर एक तरमीम है, वो आप जरा पेश करें जी। तरमीम बैठ जाए वजी अकरम साहबा। आई हियरबाय स्टैंड टू मूव दैट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद बिल 2020 एज पास्ड बाय द सेनेट विद अमेंडमेंट्स इन क्लॉज 4 पैरा।